आप देखें हिंदुस्तान न्यूज तक में आपका स्वागत है। आज हमारे जैसे हिंदुस्तान ब्राह्मण गौरव सभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष महेश नारायण उपाध्याय जी से हम ये आपसे सर नमस्कार मैं करता हूँ। हम सर आपको ये पूछने चाहते हैं, ये आप कोरोना के संबंध में आप क्या कहना चाहते हैं? सर्वप्रथम मैं लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को बधाई देता हूँ कि इस वैश्विक महामारी के दौरान भी आप लोग कड़ी मेहनत करते हुए लोगों की आवाज़ विधानसभा और पार्लियामेंट तक पहुँचाने का कार्य कर रहे हैं, इस बिना पर आप लोगों को पुनः बधाई। आज देश वैश्विक महामारी कोरोना वायरस से जूझ रहा है, पूरा देश त्रस्त है। देश की विभिन्न प्रांतों की सरकारें, भारत सरकार इस पर चिंतित हैं और तरह तरह के बचाव के उपाय किए जा रहे हैं। निश्चित सोशल डिस्टेंसिंग ही एक रास्ता है। लोगों को यह चाहिए कि प्रशासन यदि आपकी सुरक्षा के लिए तत्पर है, आपकी आवाज़ बन करके आगे आ रहा है, तो कहीं कहीं वो आपके हितों की बात कर रहा है। तो शासन प्रशासन की जो गाइडलाइन है उनके दिशा निर्देशों का पालन करें, बेवजह लोग बाहर न निकलें, अपने घरों में रहें, सोशल डिस्टेंस का पालन करें। मार्केट खुलने का इंतजार तो सभी कर रहे हैं, मैं समझता हूं कि उसका इंतजार कोरोना वायरस भी कर रहा है। अगर सोशल डिस्टेंसिंग लोग नहीं बनाएंगे तो आने वाले समय में बिकट परिस्थिति उत्पन्न होगी। पुलिस प्रशासन, स्वास्थ्य विभाग, सफाई कर्मी, राजस्व के कर्मचारी, लोकतंत्र का चौथा स्तंभ, सभी लोग जनसेवा में लगे हुए हैं। इसके लिए सभी कोरोना योद्धाओं को मेरी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं और हिंदुस्तान ब्राह्मण गौरव सभा पूरे हिंदुस्तान में विभिन्न प्रांतों में, जनपदों में, विधानसभाओं में लोगों की सेवा करने का कार्य कर रहा है। अभी मैंने 3 दिन पहले एक लाइव प्रसारण किया था जिसमें मैंने बताया था कि उत्तर प्रदेश में प्रत्येक जिलों में मिला करके 70,000 से ज़्यादा मास्क बांटे गए हैं अपने ब्राह्मण सभा के द्वारा, 50,000 से ज़्यादा सैनिटाइजर बांटे गए हैं, 15,000 से ज़्यादा गमछा बांटा जा चुका है। लोगों की सेवा की जा रही है। हमारे सभी जिलाध्यक्ष, हमारे सभी पदाधिकारी जनसेवा के लिए तत्पर हैं। इसी तरीके से जनसेवा हम करते रहेंगे।